घर पे रह के आप लोग आसानी से ट्राइसेप्स बना सकते हो। सिर्फ आपको आवश्यकता पड़ेगी 2 डंबल्स की, और अगर आपके पास डंबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 2 ईंटें ले सकते हो और उनकी मदद से इन 4 एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस रहेंगी। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके अच्छे खासे ट्राइसेप्स दिखने लग जाएंगे और साथ ही साथ आपके हाथों में अच्छे खासे कट्स भी आ जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाएं हम लोग आ जाएंगे सबसे पहली एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है लाइंग डंबल एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को आप लोग 2 तरीकों से कर सकते हो, या तो बेंच में लेट जाइएगा और या फिर आप लोग ज़मीन में भी लेट सकते हो। देन आपको दोनों हाथों में डंबल लेने हैं, हाथ आपके ऊपर की ओर जाएंगे, उसके बाद अपनी फेस की ओर आराम से अपने हाथों को फोल्ड कीजिएगा। याद रखना है, डंबल आप लोग नॉर्मल वेट के लीजिएगा, बिकॉज इसमें अगर आपकी कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार की चोट आ सकती है या फिर किसी भी प्रकार का पेन हो सकता है। इसीलिए कंफर्टेबल वेट चूज़ कीजिएगा ताकि आप लोग आसानी से स्मूथली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सको। देन आपको आराम से डंबल्स को नीचे लेकर आना है और फिर उनको आराम से ऊपर लेकर जाना है। इसी प्रकार से आप लोग इस एक्सरसाइज के रेपिटेशंस को कंप्लीट कीजिएगा। जब भी आप लोग डंबल को थोड़ा सा नीचे ले आओगे तो उसको थोड़ा पॉज कीजिएगा, फिर जब आप लोग उसको ऊपर यानी कि 90 डिग्री पे ले जाओगे देन थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, फिर आप लोग नीचे लेकर आइएगा। टोटल आपको इसके रखने हैं 12 रेपिटेशंस और 4 सेट। आ जाएंगे हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है बॉडी वेट ट्राइसेप एक्सटेंशन। वैसे तो ये एक प्रकार से आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइज बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको पुशअप की पोजीशन में आ जाना है, देन आप लोग किसी चीज़ का सहारा ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके आगे पीछे कोई सोफ़ा है तो आप लोग उस पर हाथ रख सकते हो, या फिर अगर आपके आगे कोई रॉड है, कोई पोल है तो उस पर हाथ रख सकते हो। देन आराम से आपको पुशअप की तरह ही नीचे जाना है, देन आपको ऊपर आना है। इस एक्सरसाइज में पूरा जो प्रेशर है आपके फोरआर्म्स में आएगा और आपके ट्राइसेप्स भी ट्रेन होने वाले हैं। एक्सरसाइज को बिल्कुल स्मूथली कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। टोटल आपको इसके रखने हैं 10 रेपिटेशंस और 4 सेट। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा कठिनाइयाँ आ सकती हैं, बट आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे से बनने लग जाएगा। अपन लोग बढ़ेंगे 3rd एक्सरसाइज की ओर, इसका नाम है क्लोज ग्रिप डंबल ट्राइसेप प्रेस। काफ़ी डिफरेंट एक्सरसाइज हुआ करती है। सिंपल सा आपको लेट जाना है, डंबल लेने हैं, आप लोग बेंच पे भी लेट सकते हो या फिर ज़मीन पे भी लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन डंबल्स को आप लोग ऊपर लेकर जाओगे 90 डिग्री पे, थोड़ी देर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1-2 सेकंड होल्ड कीजिएगा, देन उनको आराम से नीचे लेकर आना है। जब भी आप लोग डंबल्स को नीचे लेकर आओगे तो डंबल आपके चेस्ट के ऊपर होने चाहिए। काफ़ी लोग फेस के ऊपर रखा करते हैं, जो कि गलत हुआ करता है। डंबल्स आपके चेस्ट के ऊपर रहेंगे, देन नीचे लाकर थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, फिर उनको एकदम आराम से ऊपर लेकर जाइएगा और थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। इस एक्सरसाइज में आपको टोटल रखने हैं 15 रेपिटेशंस और 4 सेट। थोड़ा सा सिंपल हुआ करती है और आप लोग इसको आराम से परफॉर्म भी कर सकते हो। आपके ट्राइसेप्स काफ़ी तेज़ी से ट्रेन होंगे और आपके डोले शोले में कट आने वाला है। हम लोग आ जाएंगे लास्ट एक्सरसाइज पे, इसका नाम है ट्राइसेप्स किक बैक। काफ़ी डिफरेंट हुआ करती है। तो सबसे पहले तो आपको सीधे खड़े होना है, दोनों हाथों में आप लोग डंबल लोगे, नी सॉफ्ट रहेंगी, देन आपको थोड़ा सा बेंड होना है अपनी वेस्ट के पास से सामने की ओर। उसके बाद आराम से अपने हैंड्स की पोजीशन अच्छे से पकड़ लीजिएगा, देन आराम से आपके दोनों हाथ के जो डंबल हैं वो पीछे की ओर जाएंगे। काफ़ी लोग झटके से लेकर जाते हैं, जो कि गलत हुआ करता है। झटके से लेकर नहीं जाना है, एकदम आराम से आपको डंबल्स को पीछे लेकर जाना है और फिर उनको आगे ले आना है, फिर पीछे लेकर जाना है और फिर आगे ले आना है। इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज के रिपीटेशंस को कंप्लीट कीजिएगा। जब भी आपके डंबल्स पीछे की ओर जाएंगे तो आप लोग सांस बाहर की ओर आराम से छोड़िएगा। टोटल आपको इसके रखने हैं 12 रिपीटेशंस और 4 सेट। यहाँ पे सारा वर्कआउट आपका ख़त्म होता है। इसके साथ ही आपको एक अच्छी खासी डाइट लेनी है। अगर आपकी कोई अच्छी डाइट नहीं है या फिर आप लोग को डाइट में क्या लेना है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी जल्दी नई वीडियो आ जाएगी। अभी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।